रामदेव जी महाराज री दो महीना थी, मैं आपने पहले निवेदन किया कि धनरूप सिंह जी रामदेव जी महाराज रा काका था और धनरूप सिंह जी री दो बेटियां थी, एक रो नाम लाछाबाई तो दूसरी सुगना थी। लाछाबाई रो ब्याह पोकरण में कियो गयो। लाछाबाई और सुगनाबाई ने बीकानेर जिले में पुंगलगढ़ गांव में पुंगलगढ़ रे पड़िहार और विजय सिंह जी रे साथ में सुगनाबाई रो लगन हुआ और पुंगलगढ़ रा पड़िहारों ने अपने क्षत्रिय होने रो बड़ो अभिमान। तो रामदेव जी महाराज सामान्य गरीब आदमी री सेवा करता, रामदेव जी महाराज ऊंच नीच रो भेदभाव नहीं मानता, रामदेव जी महाराज असहाय पीड़ित लोगों री सेवा करता। और इन बात सो पुंगलगढ़ रा पड़िहार बड़ा बड़ा क्रोधी क्रोध में था, पुंगलगढ़ रा पड़िहार बड़ा नाराज था और इन वास्ते सुगनाबाई ने 12 साल तक सुगनाबाई ने पीहर नहीं भेजी। देखिए अठीने सुगनाबाई अपने भाई अपने माता पिता अपने पीहर ने याद करता था का आंखों में आंसू उड़ा ढलकावे बोली बीरा के तो आजा बीरा रामदेव नहीं तो लिख भेज संदेह, जी नेड़ो में आंसू पड़े जो सावन बरसे। अठीने सुगनाबाई उदास, उठीने मां उदास। तो मां जब रामदेव जी महाराज ने कहो तो रामदेव जी महाराज कहो कि मां चिंता मत कर, मैं अभी प्रबंध करूं सुगना ने लाने रो। बाबा रामदेव जी महाराज रा एक खास भगत था जारो नाम तो रत्नो राय को। रामदेव जी महाराज रत्ना ने बुलाए, रत्नो हाजिर हो गए, बोले बाबा हुक्म कराओ। बोले कि हुक्म नहीं पुंगलगढ़ जानो है। रत्नो बोले कि गांव अब यूं तो कोई गयो तो मरुला। रत्ने दिमाग लगा और एक मरियल सी एक सांड थी, दुबली सांड, बोले कि या तो ना पुगे रस्ते में आ मर जाए, मैं पाछो हार कह दूंगा बाबा सांड मर गई बीजो। रत्न राय को वह मरियल सी सांड ले जब पुंगलगढ़ रे मार के रवाना हुए, बाबा रामदेव जी महाराज री ऐसी कृपा हुई कि वह मरियल सी सांड बाबा रामदेव जी महाराज रे कृपा सो पुंगलगढ़ री तरफ भागती हुई जा रही। रत्न रे मन में भरोसा हो गयो कि मारो बाबो मने मरने नहीं देला। अब रत्नो राय को तो वो तो बाबा री मस्ती में भक्ति में मगन हो। पुराने जमाने में कई सिस्टम था, रावड़ा में घोड़े चढ़ियोड़ो सांड चढ़ियोड़ो अंदर नहीं जानो, साफो नहीं पैर तो ठाकुर साहब मिल जाता तो खमागणी अंदाता पगों में पड़नो पोतियों मिलनो पड़तो। रत्ना ने ये सारी बातों रो कोई पतो नहीं। रत्नो जो ही पुंगलगढ़ में प्रवेश कियो जार सीधो रावड़ा में सांड पर बैठो बैठो चलो गयो। सामने सुगनाबाई का पति देव विजय सिंह जी बैठा और सांड रे ऊपर बैठो बैठो जब रत्ना ने आओ तो देखियो तो दूर से आवाज लगाई, बोले आज कौन है, थोड़ी बहुत मर्यादा नहीं जाने, रावड़ा में सांड ऊपर बैठो बैठो आ गयो, कौन है थारो नाम का ही है। रत्नो बोले कि हो तो मुंह रत्नो कठू आयो, बोले कि रामदेव रासो मारा बाबा रामदेव जी मने भेजो है। इतनी बात करते ठाकुर साहब रो क्रोध और बढ़ गयो, बोले कि चुप खबरदार है। और बोलिया अरे उन रे कामड़िए जो रत्ना नाम मती लीजे, घेरोला खेतड़ी रे माई जियो, घेरोला खेतड़ी रे माई जियो, खम्मा 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 वो पवारी आजी मामला, रुणी चेरा राजा है लो सांबलो जियो, खम्मा 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 रे कवारी आजी मामला। कॉलेज मल गर्भतार की हरे गेरी गेरी बिरखा भाजा, ते पाछा कहीं आ जा
गेदी गेदी बिरखा भाया उठी पाछा कहीं जा उमन साची साची बात बताओ जियो तालियों के साथ में साची साची बात बताओ जियो साची साची बात बताओ जियो मख मख मारे कवरे अजी मारा रुणी चिरा राजा हेलो सांबड़ो जियो रुणी चिरा राजा हेलो सांबड़ो जियो मख मख गेरी गेरी बिरखा भाया पाछा कहीं जाओ ते मने सांची सांची बात बताओ आखिर में होयो कहीं है भगवान की कृपा हुई इतनो गेरो जमानो होने री आशंका है और गेरो जमानो वे थे आपने खेत में बाओला नहीं तो खाओ लगाई बोलो कहीं बात अब गावरा ठाकुर था कौन बोले के थे बांझियाओ एक 80 बरस ना डोकरा आगे आया हाथ पग धूजे और अजमाल जी महाराज रे सामने हाथ जोड़ कहो कि बाप जी आप तो ठाकुर हो आप तो मालिक हो आप तो अंदाता हो पर अरे थे तो अजमल जी बीरा बांजिया कही जो थी तू अजमल जी बीरा बांझिया कही जो भारा सुगन खराब घना होया जियो सुगन खराब घना होया जियो खम्मा 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 रे कोहरे रुनी चिरा राजा हेलो सांबड़ो जियो मख मख मारे कबरे बोले ठाकुर साहब अंदाता आप तो मालिक हो पर अंदाता आप बांझिया हो और बांझिया आदमी रा सुगन लेर खेत में जाने से बढ़िया है कि घरे आराम करो क्योंकि थारा सुगना सु कहीं निपुजनो तो नहीं और थारे जड़ा बांझिया आदमी रा सुगन लेर खेत में मेहनत करने से मतलब कहीं अब देखो करसा अवल कावल शब्द कह दिया अजमाल जी महाराज रे पैरों नीचो बात सुन और धरती निकल गई किसान आडा टोडा बोलता बोलता अपने घर चला गया अजमाल जी महाराज धीरे 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 अपने घर पहुंचा जब पतिदेव ने मैनादेव जी उदास देखा तो बोल दियो पिया जी ओ सजना आप यूं आज बिलखा बिलखा लाग रहा हो कई बात है आप बड़ा दुखी हो आप मने बोलो अजमाल जी महाराज रे आंखें मुंह आंसू आ गया बोले रानी बांझियो के वेरे मारो मुख नहीं देखे अरे बांझियो के वेरे मारो मुख नहीं देखे एड़ा कहीं पाप कमाया जियो एड़ा कहीं पाप कमाया जियो हम
ચિરા રાજા હેલો સાંભળો જીઓ ખમા 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 રે કબરે અજમાલા દેખીએ અજમાલજી મહારાજ રોતા થકા आखा में आंसोरी लड़ी बेवे अपनी रानी मैना देने कहने लगा बोला रानी इनसो चोको है कि भगवान मने दुनिया उठा ले बांजिया बांजिया करे। देखिए जब कभी भी आपके हमारे घर में कभी ऐसा मौका होता है तो पत्नी अपने पति को निश्चित रूप से धीरज बंधाती कि चिंता ना करो भगवान सब ठीक करेला। मैना देवी जी भी अजमाल जी महाराज ने समझाया बोले पियाजी चिंता ना करो ना, अब 12 साल तक द्वारिकाधीश का दर्शन किया, एक बार मैं बोल रही हूं 13वीं बार फिर चले जाओ और इन बार द्वारकारो नाथ आपने मंदरी इच्छा जरूर जरूर पूरी करेगा। बाजरी ने लाडू बना दिया, अजमाल जी महाराज ने दिया बोले भगवान ने भोग लगाई जो और भगवान ने सच्चे मन से प्रार्थना कर जो। अजमाल जी महाराज फिर द्वारिका रे रस्ते रवाना हो गया। सर्दी गर्मी बरसात उड़बाना पाड़ा थका पावों में छाला पड़ गया, एक सांवरिया री आस लिया अजमाल जी महाराज बहता गया बहता गया बहता गया। एक दिन द्वारिकाधीश रे मंदिर रे आगे जा हाथ जोड़ खड़ा हो गया बोले भगवान 12 साल तक आयो हमारी नहीं सुनी, 13वीं बार फिर आ गयो और इस बार यदि नहीं सुनी तो थारी चौकट पर माथो पटक पटक मर जाऊंगा। पर पाछो घर ना जाऊं आज